जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, क्या उस देश में बेटियों की शिक्षा के लिए लोग जागरूक भी हैं? आइए जानते हैं और बात करते हैं कलाना के नजदीकी गांव प्रभुवाला की, जहां विज्ञान संकाय के हटाने जाने को लेकर नाराज छात्राओं ने 5 घंटे तक स्कूल को ताला जड़ रोष प्रदर्शन किया। शिक्षा पाने के लिए मजबूर बेटियों ने शुरू किया धरना। यह धरना दे रही बेटियां उसी प्रदेश की हैं जिस प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कही जा रही है। अनिश्चितकालीन धरना देने वाली बेटियां अपनी शिक्षा के अधिकार को पाने के लिए मजबूर हैं। यह बेटियां उसी सरकार को याद दिला रही हैं जो सरकार इन्हें शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध है। प्रदेश में नेता कांग्रेस की जानी मानी हस्ती राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा का गाँव है प्रभुवाला। प्रभुवाला जिला हिसार के खंड उकलाना के अंतर्गत आने वाले गांव प्रभुवाला में अपनी शिक्षा पर आए संकट को बचाने के लिए बेटियों ने राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मेन गेट को ताला जड़ दिया और अनिश्चितकालीन धरने पर गेट के सामने बैठ गई। छात्राओं के समर्थन में पूरा गांव एकजुट होकर स्कूल के मेन गेट पर विज्ञान संकाय की कक्षाएं लगातार लगाने की बात कर अड़ा रहा। लगातार 5 घंटे के धरने के बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कुलभूषण शर्मा मौके पर पहुंचे और कुलभूषण शर्मा के लिखित आश्वासन के बाद छात्राओं ने स्कूल का ताला तोड़ा। यह ताला जड़ने वाली बेटियां अपनी शिक्षा पर आए संकट की लड़ाई लड़ रही हैं। इन बेटियों का आरोप है कि राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रभुवाला से विज्ञान संकाय की शिक्षा हटाई जा रही है। बेटियों का कहना है कि अगर उनके गांव के स्कूल से विज्ञान संकाय की शिक्षा हटा दी गई तो उन्हें दर दर की ठोकरें खाकर बाहर इलाके में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक ओर तो सरकार बेटियों को पढ़ाने के लिए हर 20 किलोमीटर पर कॉलेज खोलने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रभुवाला गाँव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान संकाय की शिक्षा को हटाया जा रहा है, जिसको लेकर छात्राओं में भारी रोष है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी कुलभूषण शर्मा ने बताया कि उन्हें गांव प्रभुवाला में विज्ञान संकाय की समस्या को लेकर छात्राओं द्वारा प्रदर्शन करने की बात का पता चला तो वह गांव के स्कूल में पहुंचे और उन्होंने बच्चों की समस्या सुनी। बच्चों की मांग थी कि उन्हें लिखित में आश्वासन दिया जाए, तो बच्चों को लिखित में उनकी समस्या का आश्वासन दिया गया और इस समस्या को लेकर उच्च अधिकारियों से बातचीत करके जल्दी ही इसका समाधान करवाया जाएगा। स्कूल प्रबंधन समिति प्रभुवाला के प्रधान संजय कुमार ने बताया कि गांव में विज्ञान संकाय की कक्षाएं तोड़े जाने का मामला सामने आया था, जिसे लेकर छात्राओं ने रोष प्रदर्शन किया। शिक्षा विभाग के खंड शिक्षा अधिकारी कुलभूषण शर्मा ने लिखित में छात्राओं का आश्वासन दिया, जिसके बाद स्कूल का ताला खोल दिया गया और अगर सोमवार तक इस समस्या का समाधान नहीं करवाया गया तो बच्चे दोबारा से प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। गांव प्रभुवाला में आज छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया, क्या वजह है? हमारे बच्चे बाहर हम नहीं जाते, जैसे दूसरे वाले लोग रस्ते में आते जाते हैं, हमारे बच्चे बाहर नहीं जाते, इसलिए हम वहाँ नहीं बैठते हैं, घर बच्चे के हम घर में रखते हैं। तो हम इस बार से ये चाहते हैं आप में ये लाभ कर दें, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमारे बच्चे तो यहीं पर ही रहते हैं। तो अगर आपके गांव से बेटियों के जो विज्ञान संकाय की आप बात करें वो तोड़ दी जाती है, तो कितनी दूर आपकी बेटियों को जाना पड़ेगा? बहुत दूर जाना पड़ेगा हमारी बेटियों के, यहाँ से 120 किलोमीटर। हेलो, आपका कहना मतलब हिसार या कहीं बात शहर में जाना पड़ता है? बाहर जाना पड़ेगा, हम ट्यूशन लगा के बच्चों को पास करते हैं। सर, हमारे स्कूल की कुछ मूलभूत अवधि आवश्यकताएँ थी। एक तो हमारी जो पहले यहाँ साइंस स्ट्रीम 2 साल से चल रही थी और हमारा मार्च में कंप्लीट हुआ स्टाफ, तो उसके आगे बच्चों ने एडमिशन ले लिया जिन जिन बच्चों को पता था, लेकिन अभी सरकार कह रही है कि आप इन बच्चों को यहाँ से कहीं और भेजें, तो उसकी ये समस्या थी। दूसरा क्या, हमारे इन्वेटर की सुविधा है लेकिन पंखे नहीं चलते, इन्वेटर नहीं चलता। दूसरा, पानी की सुविधा भी बिल्कुल खारा पानी आता है। तो इन सभी समस्याओं को लेकर आज बच्चों ने प्रदर्शन यहाँ पर किया और बीओ साहब ने आज आश्वासन दिया है कि सोमवार तक अगर आपकी समस्याएं डीसी के साथ डिस्कस की जाएंगी और आपका सलूशन 100% किया जाएगा जहाँ तक कोशिश होगी। और बच्चों ने भी कहा है अगर ऐसा सलूशन नहीं होता हम दोबारा से ऐसा प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। मैं यहाँ पर नहीं था, हमारी मीटिंग थी वहाँ पर हिसार में, तो मीटिंग वगैरह आपकी रखी है उसमें 15 अगस्त से संबंधित, तो वो पत्र मेरे को मिल नहीं पाया।
मैं कोशिश करूँगा कि आज ही किसी को ऑफिस में बुला के वो पत्थर जो है मैं ले लूँ और उस पर आज ही फॉरवर्डिंग बना के रिकमेंडेशन करके सोमवार को मैं सबमिट कर दूँ। मैंने इनको बच्चों को पूर्ण आश्वासन दिया है कि आज तो छुट्टी है, जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी और अपने यहाँ एजुकेशन विभाग की भी छुट्टी है ऑफिस की, तो मंडे को मैं मिलके अपने जिला शिक्षा अधिकारी से और अपने DC महोदय के साथ भी हमारी मीटिंग है, उस दिन इनकी समस्या का पूर्ण जो है समाधान करेंगे। मेरी हमेशा पूर्ण कोशिश रहती है कि पढ़ाई का माहौल जो है वो डिस्टर्ब ना हो, बच्चे अच्छी तरह पढ़ें। मैं हमेशा से पढ़ाई के उसमें हूँ और मैं खुद साइंस का रहा हूँ, विज्ञान का रहा हूँ टीचर, तो मेरे को तो पहले क्योंकि मैं जहाँ भी रहा बच्चे कम होते थे और वहाँ पर पोस्टें उठ जाती थी, लेकिन फिर भी मैंने बच्चों को विज्ञान पूर्ण से 9वीं 10वीं में पढ़ाया। अब भी यही कोशिश रहेगी कि टीचर्स की पोस्टें साइंस की पोस्टें नहीं जाएँ, क्योंकि बच्चे जो गाँव में होते हैं विज्ञान पढ़ना चाहते हैं उनको दूर जाना पड़ता है, तो बड़े दुख की बात है। तो हम कोशिश करेंगे अच्छी तरह से जो डिपार्टमेंट को अपने DO को, हमारे DO भी जो है साइंस से रहें, उनको मैं समझाऊंगा, वो मेरी बात मानते भी हैं अच्छी तरह क्योंकि मैं भी विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, और उनको पूर्ण रूप से समझाएंगे कि यहाँ पर जो है विज्ञान संकाय टूटना नहीं चाहिए। गणित के अध्यापक के साथ कुछ मूलभूत आवश्यकताएँ भी यहाँ कम हैं, उनके लेकर भी आज प्रदर्शन। हाँ, गणित के अध्यापक के लिए जैसे अपने प्राइमरी लेवल पर अगर कोई दिक्कत है प्राइमरी विद्यालयों में, तो उसके लिए मेरे पास पावर है कि मैं आंतरिक व्यवस्था कर सकता हूँ। डेपुटेशन की पावर सिर्फ निदेशक के पास होती है, लेकिन आंतरिक व्यवस्था कहीं से भी 1-2 महीने के लिए एक बार कर दी व्यवस्था, फिर उसको बढ़ा देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, तो वो मैं पूरा कर दूंगा क्योंकि वो मेरे हाथ में है। पीने के पानी और बिजली की व्यवस्था का मुद्दा था। हाँ, पीने के पानी का ये था कि पंचायत से कुछ लोग मिले थे, सरपंच साहब भी बैठे थे, प्रतिनिधि, तो वो कह रहे थे गाँव में ही कम आ रहा, गाँव की समस्या आई है, उसको भी हम उठाएंगे, ताकि हमारे शिक्षा विभाग की तरफ से भी जब पंचायत के पास आएगा, ADC साहब भी कहते हैं, वो बताते रहते हैं कि कोई भी समस्या हो मेरे को बताओ, मैं ADC से पर्सनली मिलूंगा और ये समस्या भी आपको सुलझाने की कोशिश करेंगे इस गांव में। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।